हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है, जो कि यार हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पक्का आपके एग्जाम में आएंगे जरूर, ठीक है। तो यार प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, बहुत ही आसानी से आज आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताएंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर, जो 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यार प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहना। तो चलो देखते हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो देखो हम लोग चार नंबर वाले न्यूमेरिकल देखेंगे, मतलब जो कि एग्जाम में चार नंबर के पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, हर साल ही आते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर बात करें केमिस्ट्री के पेपर में, आप चाहे जिस साल का पेपर उठा के देखो, आपको मोल प्रभाज वाला क्वेश्चन जरूर मिलता है, ठीक है। भले संख्या बदल जाए, जैसे 72 ग्राम 92 ग्राम यहाँ पे जल और एथिल अल्कोहल है, भले ही संख्या बदल जाए लेकिन मोल प्रभाज का क्वेश्चन आपको मिलता जरूर एग्जाम में। तो बहुत आसानी से आज इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करने, तो सिंपल, सबसे पहले 72 ग्राम जल कह रहा है, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो जो दिया वो लिख लो, जल का भार दिया है मतलब 72 ग्राम इसका भार है, ठीक है। मोल प्रभाज निकालने के लिए आपको करना क्या, सबसे पहले इसका अणुभार भी निकाल लेना है। जल का भार तो दिया है, अणुभार कैसे निकालोगे, फॉर्मूला होता है जल का H2O, ठीक है। H2O होता है तो हाइड्रोजन है दो, तो एक हाइड्रोजन के लिए लगता है एक, तो दो हाइड्रोजन तो एक गुणे दो। ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16, तो एक गुणे दो प्लस 16 जोड़ दोगे आ जाएगा 18, ठीक है। अगर आपको अणुभार निकालना नहीं आता तो आप वीडियो देख सकते हो, जाके चैनल पे आपको मिल जाएगी, अणुभार एकदम ट्रिक से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से कर लोगे। फिर आपको कहा गया एथिल अल्कोहल की बात की गई, तो देखो एथिल अल्कोहल का भार है आपका 92 ग्राम, तुमने यहाँ लिखा 92 ग्राम, अणुभार निकालना है एथिल अल्कोहल का, तो कैसे निकालोगे, कार्बन का जो होता है वो होता है 12, तो दो कार्बन तो 12 गुणे दो, हाइड्रोजन का होता है एक, तो कितने हाइड्रोजन 5, तो एक गुणे 5, फिर ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 लिख दिया, फिर हाइड्रोजन है तो फिर हाइड्रोजन, इन सबको जोड़ दोगे तो इसका अणुभार आ जाएगा 46। सिंपल, देखो पहले जल का भार था, भार 72 ग्राम, अणुभार निकाला इतना आ गया, फिर एथिल अल्कोहल का भार था, अणुभार निकाला इतना आ गया। अब मोल प्रभाज निकालना है, तो सबसे पहले आपको इसके मोलों की संख्या निकाल लेनी अलग अलग। देखो सबसे पहले आपको जल के मोलों की संख्या निकालनी, फॉर्मूला हो जाएगा जल का भार बटे में जल का अणुभार, ठीक है, जल का भार बटे में जल का अणुभार। जल का भार था आपको क्वेश्चन पे दिया था 72 ग्राम, अणुभार हमने H2O से निकाला, हाइड्रोजन का 1 गुणे 2 प्लस 16, ऑक्सीजन का 16 प्लस 2 जोड़ोगे आ जाएगा 18, ठीक है। 18 आया था तो 18 का 72 में भाग दोगे आ जाएगा 4, तो यहाँ से देख सकते हो जल का भार था 72 ग्राम, अणुभार 18, भाग दे दोगे आ जाएगा 4। इसी प्रकार से एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकालोगे, क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल का भार बटे में एथिल अल्कोहल का अणुभार, तो एथिल अल्कोहल का भार यहाँ पे आपको दिया गया 92 ग्राम और अणुभार है 46, तो 92 बटा 46 कर दोगे आ जाएगा 2, ठीक है। तो सिंपल आपके देखो ये जो जल के मोल निकले वो आए 4 और एथिल अल्कोहल के जो मोल निकले वो आए 2। अब आपको निकालना है मोल प्रभाज, तो उसका फॉर्मूला कैसे लगेगा, देखो एकदम सिंपल वे पे बताए इसलिए आपको कठिन ना लगे, ठीक है। सिंपल देखो, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पर से लिखना है एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज बराबर, यहाँ पे C2H5OH का मोल प्रभाज बराबर, देखो जिसका मोल प्रभाज, जैसे आपको C2H5OH का निकालना है, देखो यहाँ पे इस टाइप से दिखा दे रहे हैं, C2H5OH का निकालना है तो आपको ऊपर लिखना है C2H5OH के मोल बटे में दो लोग कौन कौन से आपके थे, विलियन में जितने लोग हों, जैसे कोई विलियन है, विलियन में आपके दो लोग इसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से एथिल अल्कोहल और जल, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना है तो एथिल अल्कोहल के मोल बटे में एथिल अल्कोहल के मोल प्लस जल के मोल। इसी टाइप से अगर जल का मोल प्रभाज निकालना है तो ऊपर जल के लिखेंगे, जल के मोल बटे में एथिल अल्कोहल के मोल प्लस जल के मोल, ठीक है। आप वैल्यू रख देते हैं, देखो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज का फॉर्मूला लगा, एथिल अल्कोहल के मोल बटे में एथिल अल्कोहल के मोल प्लस जल के मोल, तो एथिल अल्कोहल के मोल आए हैं 2, और तो 2 लिख दिया, नीचे भी एथिल अल्कोहल के मोल लिखा था 2 लिखा, प्लस जल के मोल, जल के मोल कितने निकले थे 4, देख सकते हो 4 निकले, हमने 4 लिख दिया, तो इसे जोड़ोगे 2 बटा 6 आएगा, भाग दे देना 2 से काटोगे 6 को, 2 3 6 आ जाएगा, 1 बटा 3 आ गया एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। अब आपको जल का मोल प्रभाज निकालना है तो कैसे निकालोगे, सिंपल, जल के मोल बटा एथिल अल्कोहल के मोल प्लस जल के मोल, तो जल का है 4 और बटे में 4 प्लस 2 निकालोगे 4 बटा 6 बराबर 2 बटा 3। तो एकदम आसानी से मूल प्रभाज के क्वेश्चन लगा सकते हो। देखो जब भी कोई भी क्वेश्चन मूल प्रभाज का फंस सकता है एग्जाम में, इसलिए आपको तैयार करना, हल्के में ना लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। 72 ग्राम जल था तो सिंपल जल का भार लिखा, फिर अणुभार निकाल लेना, फिर जिसका भार दिया जैसे एथिल अल्कोहल का दिया तो इसका भार लिखा, फिर इसका अणुभार निकाल लिया, फिर इन दोनों के मोलों की संख्या निकाल ली गई। मोलों की संख्या निकालने के बाद आपको ये वाले फॉर्मूले लगा देने, आसानी से निकाल सकते हो। आप देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में, तैयार जरूर करना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता
है, ठीक है, आपसे कह रहा है प्रथम कोटि की अपक्रिया। तो क्वेश्चन पे जो दिया हो सबसे पहले वही लिखते हैं। पहले हमने यहाँ पे लिख लिया प्रथम कोटि की अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? प्रथम कोटि की। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है 3/4 पूर्ण करने में लगा समय। हमने लिखा 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अपक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो 2 गुना का मतलब 2 का गुणा कर दिया और गुने में क्या है? अर्ध अपक्रिया पूर्ण करने में लगा समय। तो हमें क्वेश्चन पे यही कह रहा है सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अपक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अपक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो हमें यही सिद्ध करके दिखाना है 3/4 पूर्ण करने में लगा समय बराबर 2 गुना अर्ध अपक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का। तो एकदम आसानी से करना है। देखो कैसे। सबसे पहले आपको प्रथम कोटि अपक्रिया के फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला होता है ये k=2.303/t log base में 10 a/a-x। एक होता है आपका k=0.693 t½। ये अर्ध आयु के उसमें होता है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तभी क्वेश्चन लगा पाओगे, ठीक है। तो सिंपल हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया k=2.303/t log base में 10 a/a-x। अब बात आती a की वैल्यू और x की वैल्यू कैसे निकले। तो हमने यहाँ पर से माना a=100। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो आपसे कह रहा है 3/4 पूर्ण करने में लगा समय। तो सिंपल अगर आप यहाँ 100 मानते हो तो आपको 100 में इस 3/4 का गुणा कर देना। देखो अगर यहाँ पर a की वैल्यू 1 भी मान सकते हो, अगर 1 मानोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 × 3/4, ठीक है। सिंपल ये कितने भी मान सकते हो आप। माना 100, माना हमने 100 इसलिए माना क्योंकि सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। 100 मान लिया तो x की कैसे आएगी? 100 में कर दो जितनी जितना भाग कह रहा है, 3/4 भाग कह रहा है ना, तो 3/4 का गुणा कर दिया। तो 100 × 3/4 सॉल्व कर लोगे। देखो यहाँ 4 से काटो इसे 100 को, आ जाएगा 25। 25 का गुणा 3 से करोगे आएगा 75। 75 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो a की वैल्यू 100, x की वैल्यू 75। अब यहाँ पर से हमें क्वेश्चन पे a-x की वैल्यू की पता करना होगा। तो यहाँ से a-x निकाल लेते, a की वैल्यू 100, x की वैल्यू 75, तो 100-75 लिख दिया, हल कर लोगे आ जाएगा 25। तो यहाँ से a की वैल्यू 100 आ गई, a-x की 25। इस वाले फॉर्मूले पे रख देते हैं, देखो ये जो ऊपर है ना ये वाला फॉर्मूला, इसी पे रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी, देखो यहाँ पे 2.303/k। और एक चीज़ और यहाँ देख लेना, ये जो आपका फॉर्मूला था ये हमने इस टाइप से लिख रखा है ना k=2, ये t इधर कर लेना, k नीचे कर लेना, क्योंकि t की वैल्यू निकालनी, तो वही किया हमने यहाँ पे, ठीक है, कन्फ्यूज ना होना। t³/4 = 2.303/k log base में 10, a की वैल्यू थी 100 रखा, a-x की वैल्यू 25, तो 25 से 100 काट दोगे आ जाएगा 4, ठीक है। 25 से 100 काटो 4 आ जाएगा, और जब 4 आ जाएगा तो यहाँ पर से आपको log 4 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इस 4 को, ये जो 4 है इसे आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 लिख दिया। अब एक फॉर्मूला होता है, देखो इतने तक तो ले आओगे आसानी से, t³/4 = 2.303/k log base में 10 2 की पावर 2। आप देखो एक फॉर्मूला होता है log में log m की पावर n का, log m की पावर n का फॉर्मूला होता है n log m, ठीक है, n log m, ये होता है log m की पावर n का फॉर्मूला। तो m की पावर n की टाइप का है 2 की पावर 2, तो उसी प्रकार लिख देंगे 2 log 2, ठीक है, इतना लिख देना है। आप देखो आगे कैसे सॉल्व हो, इतना समझ गए ना। अब आगे देखो, आप देखो यहाँ पर से इतनी वैल्यू तो आ गई थी, अब log 2 का भी मान होता है, log 2 की जो वैल्यू होती वो होती 0.3010 वैल्यू होती, तो यहाँ पे रख देना है log 2 का मान। मान रखो कि 0.3010 का 2.303 से गुणा करना, 0.693 आ जाएगा और बटे में के, ठीक है, देख लो एक बार फिर से। देखो सिंपल यहाँ इतना आया था 2.303/k 2 log 2, log 2 की वैल्यू होती 0.3010, तो वहाँ पे रख दिया, ये देख सकते हो ये ठीक log 2 की वैल्यू हमने रख दिया, गुणा कर दोगे इसका इससे 0.693/k, इतना आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय। तो यहाँ से लिखते अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय, तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा? अर्ध अभिक्रिया मतलब आधी अभिक्रिया, मतलब 1/2 अभिक्रिया, इसलिए t1/2। और प्रथम कोटि के लिए फॉर्मूला होता है t1/2 = 0.693/k, ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। जब ये फॉर्मूला लगा दोगे तो इसको मान लेना समीकरण 2, इसको माना था जो पहला आया t³/4, इसे माना था समीकरण 1। अब नीचे से लिख देना समीकरण 1 में 2 का भाग करने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग करोगे, देखो इधर है t³/4 लिखा, नीचे t1/2 लिखा, उधर है 2 × 0.693/k ये लिख दिया, और नीचे 0.693/k ये लिख दिया। आप सिंपल 0.693/k से 0.693/k कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 2, और फिर इस t1/2 का 2 पे गुणा कर देना, तो t³/4 = 2 × t½, ठीक है। तो यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि अतः 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया अर्थात आधी t1/2 अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। देख सकते हो 2 का गुणा है ना,
तो 3/4 अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है, आसानी से हमने सिद्ध करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये था पूरा क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लो। ठीक है, कैसा था आपका? ठीक है, स्क्रीन शॉट लेना चाहना तो ले लो आराम से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग, आधा भाग किसे कहते हैं, 1/2 कहो या 50% कह सकते हो। 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है, इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। ठीक है, कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग 50% मतलब 10 मिनट में पूर्ण होता है, इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। तो ये क्वेश्चन भी एकदम आसान, देखो कैसे, यहाँ सिंपल आपको लिखना है 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है, अर्थात 50% क्या, आधा भाग, तो आधा क्यों क्या लिख सकते हो, T1/2 बराबर 10 मिनट, मतलब यहाँ आपको अर्धायु का मान दिया गया, आधी अभिक्रिया का समय। ठीक है, इतना लिख लिया। अब आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला बताया था, T½=0.693/K, T1/2=0.693/K, अब के को इधर ले लो, T1/2 को नीचे भेज दो, तो K=0.693/T½। ठीक है, तो यहाँ से आप K की वैल्यू निकाल सकते हो, सिंपल T½ की वैल्यू रख दो 10 मिनट, और वैल्यू निकाल लोगे, K की मान आ जाएगा 0.693 × 10⁻¹। ठीक है, K की वैल्यू एकदम आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, सिंपल वे पे K की वैल्यू निकाला। अब आपको निकालना है 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा, तो उसी तरह से निकालना है। देखो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखो। अब हमने यहाँ से लिखा 80% भाग पूर्ण करने में लगा समय, तो फॉर्मूला वही लगेगा आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, T80% = 2.303/K log बेस में 10 a/a − x। तो a की वैल्यू मान ली 100, जैसे पहले वाले क्वेश्चन पे किया वैसा ही सेम, a की वैल्यू 100 और 80% कह रहा, तो सिंपल 80 लिख दो। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 80, और फिर क्या करते हैं, 80 आ गई, तो यहाँ से a − x निकालोगे, तो 100 से 80 घटा दो, 100 − 80 मान आ गया 20। ठीक है, तो a की वैल्यू भी निकल आई, a − x की वैल्यू निकल आई, दोनों की वैल्यू रख देते। देखो, हमने यहाँ पे a की वैल्यू 100 रखी, a − x की वैल्यू 20 रखी, यहाँ 20 से 100 को काटोगे आ जाएगा 5, देख सकते हो। ठीक है, यहाँ 20 से 100 काटो आ जाएगा 5, 5 आ गया, log 5 हो गया, इतना आ गया। देखो, T80% और K की वैल्यू क्या आई थी, 0.693 × 10⁻¹। देखो, इस वाली लाइन के आगे क्या करना है, 2.303/K की वैल्यू 0.693 × 10⁻¹ और log बेस में 10, 20 से 100 को काटो 5 आ गया। आप देखो आगे क्या करते हैं, अब आपको log 5 की वैल्यू भी याद रखनी, जैसे log 2 का मान अभी रखा था वैसे ही log 5 की वैल्यू होती है 0.6989। ठीक है, 0.6989 ये log 5 की वैल्यू होती है। आप देखो सिंपल, यहाँ पे 0.693 है और यहाँ पे 0.6989 है, तो लगभग दोनों बराबर वैल्यू है, तो इन दोनों को आपको कैंसिल कर देना, क्योंकि लगभग बराबर तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2.303 का 1 से गुणा होगा, तो 2.303 बचेगा, और बटे में है 10⁻¹। ठीक है, सिंपल देख लो, सिंपल है, देखो 0.693 से ये तो कट गया था, अब 2.303 बचाओ, बटे में 10⁻¹, इसका भाग दे दोगे तो आ जाएगा 23.03 मिनट आंसर। तो एकदम आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो एकदम मस्त से आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना यार। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है।